नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं डॉली आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कल यानी कि 22 जुलाई सोमवार से सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इन वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का सेवन सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो क्या हो सकता है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो वीडियो में आप आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। आयुर्वेद के अनुसार सावन मास में दूध या दही से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कच्चे दूध का सेवन करने से भी बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि सावन मास में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मास में कच्चा दूध व इससे संबंधित चीज़ों का सेवन करना वर्जित है। कढ़ी बनाने के लिए दही का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सावन माह में कढ़ी या दूध दही से संबंधित चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। सावन मास में दूध दही और उनसे बनने वाली चीज़ जैसे रायता काढ़ी आदि सेवन करना वर्जित बताया गया है। इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कढ़ी के सेवन से पाचन तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दही में एसिड वात होने के कई तरह की परेशानियां बनी रहती है, और हम दही को कुछ दिनों तक रख दें तो उसमें फफूंद जैसी चीज़ होने लगती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा है, सावन के दिनों में हमें तामसिम भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों हमारा पाचन तंत्र में पचाने की क्षमता कम हो जाती है, और सावन के पवित्र महीने में हमें नॉनवेज जैसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो फिर भी। तीसरा है, सावन के दिनों में बहुत ही बारिश होती है, और इन दिनों हरी पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चलने लगते हैं, और ज़मीन से यह लगकर उगने के कारण हरी पत्तियों पर उनका जहर छूट जाता है, इसलिए हमें हरी पत्तीदार सब्जियों को सावन के महीने में बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर पर बहुत सारे बीमारी पनप सकती है। चौथा है, सावन के दिनों में हमें तामसिम भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों हमें लहसुन प्याज का सेवन भी अपने दिनचर्या में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पांचवा, सावन के दिनों में हमें अरबी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अरबी में चिपचिपा पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के लिए इन दिनों स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा माना गया है। छठवां, इन सावन के दिनों में हमें तुरई लौकी जैसे सब्जी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और इसे हमें बारिश के दिनों में एनर्जी मिलती है। सातवां, सावन के दिनों में हमें ठंडी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक, लस्सी और मशरूम जैसे चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ठंडी चीज़ इन सावन के दिनों में बरसात के दिनों में स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, और मशरूम में जहर होता है। आप आए दिन समाचार में यह देखते होंगे कि मशरूम खाने से लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताती हूँ। जो मशरूम होता है वह खेत में उगता है, और ऐसी जगह पर बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू उस पर चलते रहते हैं, और उन चीज़ों पर उसका जहर छूट जाता है, जो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर आप भी मशरूम वगैरह खाते हैं तो आप तत्काल ही छोड़ दीजिए। तो क्या आप भी सावन सोमवार का व्रत हर सावन में रखते हैं, और आप इस सावन के दिनों में किन मंदिरों पर जाना और कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप सभी को पवित्र सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएँ।